अभी फिलहाल यहीं बैठ के काम कर रहा था, अभी ऑफ किया इससे, नींद आ रही है। सो रात को यार एक्चुअली ना काफ़ी ज़्यादा देर तक, रात को ना बहुत देर तक काम किया, देर से काम करने की वजह से नींद शायद पूरी नहीं हुई इस टाइम, इतना जोर से नींद आ रही मेरे को, सो जाऊँ फिलहाल। अभी घर के सब गए हुए हैं, घर के सभी लोग गए हुए हैं दिल्ली, मेरे बुआ जी क्या, मैं फिलहाल अकेला हूँ। मैं भी अब सोता हूँ थोड़ी देर, फिर उठूँगा, फिर कहीं चलते हैं। अभी के लिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, सो कैन यू टेल जस्ट सोच रहा था पहले उठ जाऊंगा लेकिन नहीं उठ पाया, लेट हो गया। अभी आप खुली है, सोच रहा था मैं कहीं जाने के लिए क्या उठूंगा, एक दो घंटे सो के फिर कहीं बाहर जाऊंगा, बाहर तो जा ही नहीं पाया। मौसम बारिश का हो रहा है, हाँ बारिश कभी भी नहीं आ गई, फिर ऐसा ही मौसम का, बारिश आती नहीं, थोड़ी बहुत आएगी चली जाएगी, फिर आज की वीडियो में तो कुछ किया ही नहीं और आज का व्लॉग भी नहीं बनाया, खैर आज का दिन तो गया। उठाई मैं इतना लेट, मैं सोचा एक घंटे में उठ जाऊंगा सो के, अभी सो जाता हूँ क्योंकि दोपहर में नींद बहुत तेज आ रही थी और सोना जरूरी था, रात को मैं काफ़ी लेट हो गया था काम करते करते तो टाइम ज़्यादा हो गया, तो दिन में झपकी सी आने लगी, नींद आने लगी, मैं कहा सो ही लेता हूँ एक घंटे सोने के बजाय मैं उठाऊँ, अब जाऊँगा तो रात हो जाएगी वापस आने में, और मम्मी पापा का भी कोई भरोसा नहीं, वो शायद आ भी जाएं तो फिर मैं चाबी लेके मेरे को भागना पड़ेगा। देखते हैं और क्या कुछ करते हैं, फिलहाल जा रहा हूँ मामा के यहाँ वहीं कुछ, उसके बाद घर, फिर पापा से फ़ोन करता हूँ उनसे पूछूँगा आएंगे या नहीं, फ़ोन अभी करता हूँ, नहीं आएंगे तो मैं अभी निकलता हूँ, फिर एक दो राउंड मार के फिर घर आता हूँ। सबसे पहले रेलवे स्टेशन पर जाता हूँ, उसके बाद सोचूँगा कहाँ जाना है, रेलवे रोड से आगे जाना है या पार्क में बैठना है। और यार टाइम तो अभी 5:30 का हो रहा है, टाइम मैंने गलत देखा उस टाइम, फिलहाल अभी उस टाइम मैं नींद में था ना इसलिए पता नहीं चला मुझे भी, अब मैं नींद से बाहर हूँ, बाहर आया घड़ी देखी 5:30 हो रहे, निकल लिया बाहर, बाहर कहीं घूम के आते हैं, फिलहाल मैं वहीं जा रहा हूँ, मिलते कुछ देर बाद। हेलो, पार्क में ही आ गया घर से सीधा, वो एक्चुअली यार क्या हुआ ना, कमरे में सो के उठा मैं तो अंधेरा अंधेरा था, मुझे लग गया ज़्यादा टाइम हो गया, अब ज़्यादा टाइम होने लग गया तो बस मैंने वही बोल दिया कि मैंने 7 बजे है, ऐसा कुछ नहीं 5:30 बजे हो रहे हैं, धूप अभी भी है यार बहुत धूप है। अभी मैं पार्क में ही बैठा हूँ, इधर स्टेशन के पास है, स्टेशन पर 2 पार्क बन गए हैं, एक लाइन के उस पार एक लाइन के इस पार,
ऐसा कुछ नहीं लगता यार कि देवीलाल पार्क खास है, वो भी कुछ वो इससे भी गया गुजरा है। ये स्टेशन का पार्क काफ़ी बढ़िया है, उससे कहीं बढ़िया है। यहाँ झूले वगैरह सब कुछ है, सब कुछ है, बच्चों के लिए सब एक्टिविटीज़ करते हैं। सुबह शाम लोग बहुत आते हैं घूमने के लिए, जॉगिंग करने के लिए, बहुत अच्छी पार्क है। मैं अभी फ़िलहाल यहीं बैठा हूँ, इसके बाद जाऊँगा कुछ देर बाद जाऊँगा बाहर की साइड रेलवे रोड की तरफ, वहाँ देखते हैं क्या है। कुछ नहीं यार इस कॉम्प्लेक्स में, तो खाली पड़ा हुआ है सारा। कोरोना आर्केड कहते हैं, बहादुरगढ़ का एक कोरोना आर्केड है, खाली पड़ा। इस टाइम कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस एक मूवी देखने जा सकते हो। अभी मेरे ख्याल में शुरू हुआ है बस, फिलहाल चलते कहीं और। हाय, गया था बाहर में भी यार, अभी बाहर गया हुआ था वहाँ यार, करोना गया था। करोना बहादुरगढ़ में करोना एक मॉल है, तो वहीं गया था। कुछ भी नहीं यार उसके अंदर, बस एक मूवी देख सकते हो बस। है तो काफ़ी बड़ा, बट उसमें अभी शॉप वगैरह खुलनी बाकी है। उसमें फ़िलहाल अभी मैं मूवी का ही था बस, कि तो मूवी मुझे देखनी नहीं थी, मैं तो बस ऐसे ही गया था मॉल में देखने क्या कुछ है उधर। सिंपली कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं उधर अभी, आगे आने वाले टाइम में होगा। वैसे काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है, और उसको अच्छा बनाया गया, बहुत अच्छा बनाया गया। उसमें अगर शॉप वगैरह और खुली होती हो, लाइट्स वगैरह का हिसाब होता ना, तो वो एक नंबर का था पूरा। मैं गया, फ़िलहाल कुछ नहीं था उसमें, तो सिंपली मैं घूम के बस वापस आ गया। और बहादुरगढ़ के सिटी पार्क क्या रेलवे स्टेशन के पास जो पार्क है उसके अंदर भी, वो भी काफ़ी बढ़िया है। वो जो देवीलाल पार्क पिछली बार गया था मैं वहाँ, उससे बेटर है ये स्टेशन का पार्क, ये काफ़ी बढ़िया। उससे यहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा है, वहाँ कुछ इतने नहीं है, बट ये कुछ अच्छा है उससे। तो ये थी फिलहाल आज की वीडियो, करते हैं इसका एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीक अगले संडे। तब तक के लिए देखो रहो, मुस्कुराते रहो। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, बाय बाय, मिलते नेक्स्ट संडे। वीडियो बोल पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल ना भूले, क्योंकि मैं आपके लिए हर हफ्ते कोई ना कोई वीडियोस लेकर आते रहता हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।